दांत, खाज या फिर खुजली की समस्या, इन सारी चीजों के चलते कभी कभी हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय अपनाकर हम आसानी से इस समस्या से निजात भी पा सकते हैं। बदलते मौसम में अक्सर जो होता है कि दांत खाज की समस्या हो जाती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, मेल फीमेल को हो सकती है। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आगे चल के एक्जिमा का भी रूप ले लेती है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैलने वाली बीमारी है। दांत खाज खुजली के लिए जो दवा आज मैं आपको बता रही हूँ, उस दवा में सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं दोस्तों हल्दी का। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है जो कि सर्दियों में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। बट हल्दी पाउडर का यूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये हल्दी का पाउडर एकदम शुद्ध होना चाहिए, मतलब मिर्च मसाले के डब्बों से निकाला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम करने वाले हैं अपनी स्किन के लिए। दोस्तों हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी स्किन को बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने का काम करता है, क्योंकि जो दांत खाज खुजली होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। लोगों से एक दूसरे से लगकर ही दांत खाज खुजली हमारे शरीर में आती है, और ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कारण बनती है। तो हल्दी जो है इस इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। ये जो है हमारी स्किन को साथ ही लाइट भी बनाता है, बहुत ही हेल्दी बनाता है। इसके एंटीसेप्टिक गुण के कारण जो होता है, लोग हल्दी का उपयोग अक्सर अपने उपटन में करते हैं, यानी कि शादी से पहले जब लड़कियों की शादी होती है तो उपटन का यूज किया जाता है और उसमें हल्दी लगाए जाते हैं। इससे शरीर पर अगर कोई दाग धब्बे हैं तो वो हल्के होते हैं, साथ ही चेहरे पे ग्लो भी बढ़ता है। स्किन अगर ड्राई है, जो कि अक्सर खाज की वजह से स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, तो ड्राई स्किन में हल्दी बहुत ज्यादा फायदा करती है। और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है दांत खाज की वजह से, ऐसे में कच्ची हल्दी या फिर ये जो हल्दी पाउडर होती है ये किसी रामबाण इलाज से कम नहीं होते हैं। हल्दी के साथ हम यहाँ पर इस दवाई की में यूज करने वाले हैं एलोवेरा का। आयुर्वेद में इसे घृत कुमारी के रूप में महाराजा का स्थान दिया गया है। औषधि की दुनिया में इसे संजीवनी कहा जाता है। अक्सर हमारे घर मोहल्ले में या फिर हमारे घर में ही किसी गमले में लगे हुए एलोवेरा के पौधे आपको मिल जाएंगे। फ्रेश एलोवेरा का अगर आप इंतजाम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा नहीं मिलता है तो फिर आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्रेश एलोवेरा के साथ बता रही हूँ कि ये रेमेडी हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए एलोवेरा का एक छोटा टुकड़ा एफिशिएंट होगा, तो जितना बड़ा टुकड़ा मैंने आपको काट कर दिखाया है इतना ही हमें चाहिए होगा। दोस्तों एलोवेरा जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। स्किन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब में एलोवेरा एक बहुत ही नेचुरल उपाय होता है। एलोवेरा जो होता है हमारी स्किन को पोषित करने का काम करता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही हमारी खूबसूरती निखारनी हो तो एलोवेरा से सस्ता उपाय और कुछ भी नहीं होता है। चेहरे पे कहीं कोई पिंपल है, दाग धब्बे हैं, तो रोजाना आप एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा के जेल को लगाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आप फ्रेश पानी से अपने चेहरे को धुल लीजिए, आपके चेहरे की नमी बनी रहेगी। एलोवेरा के इस तरह से हमको छिलके उतार लेने हैं, और एलोवेरा का जो ये पल्प है ये हमें इसके बाद मिल जाता है। एलोवेरा के पल्प को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रशर से क्रश करेंगे। जी हाँ, आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर मैं मिक्सर बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ तो मिक्सी में जो है थोड़ा सा मिक्सर बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूंगी इसको क्रशर से क्रश कर लूंगी। आप इसे क्रशर से क्रश कर सकते हैं, मिक्सी में चला सकते हैं, या फिर इसे जो है हल्का सा इमाम दस्ते में लेकर भी हल्का सा अगर थोड़ा सा हल्के से कूट दें तो भी जो है एलोवेरा का पल्प बहुत आसानी से निकल जाता है। ये चूरने में बहुत ही गिलगिला सा होता है, थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब हम इस तरह से निकालेंगे तो 2 मिनट के अंदर एलोवेरा का पल्प जो है काफी स्मूथ हो जाता है। इसे आप जो है हाथों से भी दबा दबा कर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्रशर से क्रश कर देती हूँ जिससे हमें पल्प इसका आसानी से मिल जाए। अगर आप एलोवेरा के मार्केट वाले जेल का यूज कर रहे हैं तो वो आपको एज इट इज यूज करना है। यहाँ पर कुछ पल्प है जिनको मैं इस तरह से फिंगर से ही दबा दबा कर अच्छे से स्मूथ कर लेती हूँ, इनका अच्छे से स्मूथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पल्प बनकर तैयार हो चुके हैं। एलोवेरा का जो जेल होता है दोस्तों, इसको आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पर अगर आपको दांत खुजली की समस्या है, लेकिन जब हम इसका यूज हल्दी के साथ करते हैं तो ये 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब हम ये दवाई बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे। एक छोटी सी कढ़ाई मैंने ली है जिसमें मैंने डाली है 1 चम्मच खाने वाले चम्मच से भरकर हल्दी का पाउडर, और हल्दी के पाउडर को मैंने रखा है गैस पर। गैस पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पर हल्दी को इस तरह से हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए हल्दी को जलाना नहीं है, सिम फ्लेम पर इसको एक बार हम अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। हल्दी जब हमारी अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने एलोवेरा का जो जेल तैयार किया है, यानी कि जो पेस्ट तैयार किया है, ये हम ऐड करेंगे। अगर आप एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हैं तो इस टाइम पर आप एलोवेरा का जेल डाल लें, और जितनी क्वांटिटी आपको दिख रही है लगभग 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल का
आप यूज कर सकते हैं एक चम्मच हल्दी के साथ। जेल को डालने के बाद फटाफट से हम इसको चलाएंगे, जिससे हल्दी की गुठली नहीं बने। वैसे हल्दी की गुठली नहीं बनती है, बहुत आसानी से ही मिक्स हो जाता है। साथ ही एलोवेरा जो है वो गैस पर चढ़ाने के बाद ये खुद ही जो है हल्का हल्का मेल्ट होने लगता है। जो आपको इसकी गांठें दिख रही हैं वो जो है मेल्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद से दोस्तों मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। घर घर में मौजूद होता है नारियल का तेल, जो हमारे स्किन को नरिश करने का काम करता है। आपकी त्वचा अगर डिहाइड्रेटेड हो गई है, पानी की कमी है, तो आप नारियल तेल का यूज करिए। आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट होती है। नारियल तेल जो है स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट रामबाण उपाय होता है। तो नारियल तेल के साथ मैं इस रेमेडी को बना रही हूँ। नारियल का तेल मैं वन बाय वन करके डाल रही हूँ, तो कुल 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नारियल का तेल का काम यहाँ पर यह है कि इस मिक्सचर को स्मूथ करना। यहाँ पर हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पर पानी का यूज करेंगे तो हम ये जो मलहम बना रहे हैं इसको हम रख कर यूज नहीं कर सकते, उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो यहाँ पर पानी का बिल्कुल यूज नहीं है। ये जो पेस्ट मैं तैयार कर रही हूँ इसे आप 15 से 20 दिन या महीने भर तक रख कर भी अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं। आपको जैसे ही कोई स्किन में रैशेज वगैरह हो, खुजली की समस्या दूर हो, तो ये वाला मलहम आप बनाकर रख लीजिए और फिर जो है इसको यूज करिए। यहाँ पर इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से भून लेते हैं, यानी कि तेल के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि सारा काम हमें करना है सिम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना करें। सिम फ्लेम पर कुल 2 मिनट लगते हैं इस पेस्ट को बनाने में। अब पेस्ट जब हमारा बन जाए तो बर्तन से निकालकर आप इसे किसी बर्तन में रख लीजिए या फिर किसी एयरटाइट डब्बे में डाल लीजिए। इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इसका यूज हमको कैसे करना है। अच्छे से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही इसका यूज करेंगे। तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं 10 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने के लिए। 10 मिनट के बाद दोस्तों अब जो आपकी इन्फेक्टेड स्किन है वहां पर आपको इस पेस्ट को इस तरह से मलहम की तरह लेकर अच्छे से रब करना है। जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है, आपको दाद है, खाज है, या फिर किसी जगह पर खुजली की ज्यादा समस्या है। अक्सर हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां खुजली की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो उस जगह पर आप अच्छे से इस मलहम को, इस पेस्ट को रब करिए। हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए जिससे वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो आप लगाइए। अगर आपको दाद खाज काफी ज्यादा है तो आप इस पेस्ट की ऐसे एक मोटी परत भी लगा सकते हैं, और अगर सिंपल खुजली की समस्या है, ड्राई स्किन की समस्या है, तो उस जगह पर आप इस पेस्ट को अच्छे से रब करके लगाकर छोड़ दीजिए। दोस्तों ये काम करना है आपको रात में। जी हाँ, जितना ही आप इसको रात भर लगाकर छोड़ेंगे या कम से कम 4 से 5 घंटे, उतना ही हमारी स्किन इस मलहम को एब्जॉर्ब करेगी और इसके जो आयुर्वेदिक गुण है वो हमारे स्किन में जो है पहुंचकर फायदा पहुंचाएंगे। स्किन को नरिश करेंगे, अंदर से ऑयली बनाएंगे, हाइड्रेट करेंगे स्किन को। इन तीनों चीजों के गुण बहुत ज्यादा हैं, हल्दी, एलोवेरा और नारियल तेल के। ये तीनों ही चीजें मिलकर हमारी स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट देने वाली हैं। तो इस तरीके से इसको लगाकर सुबह आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इसके बाद से हमें साबुन का यूज नहीं करना है। इसको लगा के जब हम धुलते हैं तो साबुन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और बस मॉर्निंग में इसको धुल लीजिए। ये काम आपको 10 दिन तक करना है। हो सकता है कि जिस स्किन पर आप लगा रहे हैं वहां थोड़े से हल्दी के दाग पड़ने लगे, पर उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हल्दी के दाग हैं, ये बहुत ही आसानी से 2-4 दिन में निकलकर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पेस्ट मैंने बताया है, जो मलहम बताया है, इसको आप बनाकर 15 से 20 दिन स्टोर करिए और डेली आप दिन भर में एक बार जरूर इसका यूज करिए। रात में लगाइए तो ज्यादा इफेक्टिव है, रात भर लगाकर छोड़ दीजिए और सुबह इसको वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से नहाते समय। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप यूज करिए, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। किसी को जरूरत हो तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा, क्या पता आपके एक शेयर से किसी को हेल्प मिले। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।